हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। तो आपको जैसा कि पता है कि सीटेट 2018 में आए हुए सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी क्रम में इंग्लिश की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, मतलब हमने 15 क्वेश्चन कल देखे थे और आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस इंग्लिश पैडागॉजी सेक्शन के हैं और जैसे ही कंप्लीट होता है तब हम जंप करेंगे जो हमारा अनसीन पैसेज वाला पोर्शन है उस पे, क्योंकि 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी आती है पैडागॉजी सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो ओके, जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया है सभी को गुड मॉर्निंग। ओके ओके, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले साल, तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मोर्फोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स। स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, हम जब किसी भाषा में शब्दार्थ, मतलब अर्थ पढ़ते हैं, शब्दार्थ पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 136 के लिए ऑप्शन नंबर बी, सिमेंटिक्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन थोड़ा सा करते चलूँगी ताकि अब वो टॉपिक आपका क्लियर होता चले। तो सिमेंटिक्स में हिंदी में अर्थ, इसका हिंदी का जो अर्थ है उसको अर्थविज्ञान कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अर्थविज्ञान, तो नाम से ही समझ में आता है ना कि अर्थ विज्ञान। ये किसी लैंग्वेज में मीनिंग की एक लिंग्विस्टिक तथा साइकोलॉजिकल स्टडी है। इसका सिंपली आप हिंदी याद रखिएगा अर्थविज्ञान, तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर टेल्स अ स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रन मेक एनिमल नॉइजेस एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल, इट इज व्हाट। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग आपको खुद समझना है, अभी फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं आने वाला एक्सप्लेन करने हिंदी, है ना। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन और रीडिंग अप्रोच। टीचर जो है स्टोरी बता रहा है जानवरों के बारे में, तो जब भी वो किसी जानवर के बारे में बताता है तो बच्चे उस जानवर की जैसी आवाज़ निकालते हैं, ये क्या चीज़ है, तो आपको ये बताना है। सो 37 के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि वो जिन जानवरों की आवाज़, बिहेवियर, एक्टिविटी, फिजिकल रिस्पॉन्स को जानते हैं उसी को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज और डिवाइसेज यूज इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेशन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। ऑप्शंस, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से। लैंग्वेज क्लासरूम में, भाषा कक्षा में, ठीक है, लैंग्वेज लेसन के ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए जो एक्सरसाइजेज, एक्टिविटी, डिवाइस यूज किए जाते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? मेथड, टेक्निक, सिलेबस, अप्रोच। डेफिनेटली आपके ट्रेनिंग के टाइम के सिलेबस में था, इंग्लिश टीचिंग वाले सिलेबस में। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ये सब कहलाएंगे टेक्निक्स। ठीक है, ओवरऑल सब इंक्लूड करके लैंग्वेज स्टडी टेक्निक या टीचिंग टेक्निक में आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, A test which is administered at the end of a language course for remedial teaching as diagnostic test, placement test, achievement test or memory test. फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। देखिए, किसी लैंग्वेज कोर्स में या कोई भी हम यूनिट या टॉपिक जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं, इसको कंप्लीट होने के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं जिससे हम पता लगा पाते हैं कि स्टूडेंट्स जो है हमारे, वो उनकी अचीवमेंट कितनी रही है, हम उनका मूल्यांकन कर पाते हैं। मेन हमारा उद्देश्य होता है उनका मूल्यांकन करना। तो यह जो टेस्ट होता है, इसमें स्टूडेंट्स द्वारा जो भी जाने वाली फॉल्ट्स होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, हम उन्हें पहचानते हैं और फिर उसमें हम सुधार करते हैं। और मेन ये टेस्ट जो है इसी पर्पज़ से लिया जाता है कि ताकि हम कमियों को पहचान कर उसमें हम सुधार कर पाएँ। ठीक है, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेज, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स. तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कि हमें अच्छी प्रैक्टिस कराना है तो ये सबसे अच्छा होगा. फिल इन द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं वो उस तरह की एक्सरसाइजेस हम ग्रामर में फिल कराएं तो ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों की हो पाती है. इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्ड एट द कैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ये जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस, सेंटेंस फ्रैगमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. मैं रिमाइंड करा दूं कि इंग्लिश ग्रामर के ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, टेंस नहीं पढ़ाया हुआ है अभी तक, बाकी सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं. प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया हुआ है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सेंटेंस. ये आपका सिंपल सेंटेंस कहलाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है. यहाँ पे इन द बैकयार्ड ये अलग है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में आ जाएगा. फिर आपका द डॉग जो है वो आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और बाकी का फिर जो आपका सेंटेंस बचा हुआ है आपका प्रेडिकेट है. तो यही कहलाते हैं सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड ऑफ टीचिंग कैनॉट बी यूज इंटरचेंजेबल विद ईच अदर? रिफरेंस मैथड, इंसिडेंटल मैथड, डायरेक्ट मैथड और कोरिलेटिव मैथड. कौन सा मैथड? यहाँ पे कैन नॉट है, नहीं लगा रहता है सीटेट के बहुत सारे क्वेश्चन में. सो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है. इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट मैथड. डायरेक्ट मैथड के बारे में मैंने बताया भी है, पहले भी पढ़ाया, थ्योरी भी पढ़ा रखी है इसकी, कि इसको हम नेचुरल मैथड भी कहते हैं डायरेक्ट मैथड को. और इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोई भी दूसरी भाषा पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं. और इसमें ये मैथड की जो शुरुआत हुई थी, कब हुई थी ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सन 1900 से शुरू हुई थी. ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड तथा बायलिंगुअल मैथड ऑफ टीचिंग के साथ ही की गई थी इसकी भी शुरुआत. इसमें क्या है कि हम मातृभाषा का प्रयोग किए बिना भाषा शिक्षण करते हैं. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑल फॉर्मेटिव टास्क फॉर मीट फॉर असेसमेंट, असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस, फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी अफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन, वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू. कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है. तो देखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका. ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है. ठीक है, वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू. इसका मतलब ये है कि जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, आपको मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट ये मूल्यांकन वाले उसमें पढ़ा रखा है चैप्टर में, शिक्षण मनोविज्ञान और बाल विकास वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसका थ्योरी वीडियो. ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न जो भी फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल अनौपचारिक सभी तरह के असेसमेंट आते हैं. ये असेसमेंट किस लिए होते हैं? टीचर्स द्वारा अपनी टीचिंग स्किल में सुधार करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए किए जाते हैं. तो यही विकल्प आपका बिल्कुल सही होता है कि बेसिकली ये इस इम्प्रूव करना होता है टीचिंग लर्निंग, इसका जो मेन उद्देश्य होता है, कुछ जो है वो असेसमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द मदर टंग, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, Giving inputs from the target language in a simple graded manner. तो बताइए मदर टंग, मातृभाषा का इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभाव. वर्ड मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, काफ़ी 2 महीने दिया है मैंने आपको वीडियो, एक बार आप चेक कर लीजिएगा.
सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसमें एंटोनिम्स एनोनिम्स के साथ। तो ये सबसे ज़्यादा यानी कि किसी भी क्लासरूम में भाषा कक्षा में मातृभाषा का प्रभाव किस तरह से कम किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है, अच्छा मदर टंग इन्फ्लुएंस को शॉर्ट में MTI कहते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं क्वेश्चन में आपको अगर MTI लिखा मिलता है तो आपको ये ध्यान रहे कि इसका मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस ही होता है, फुल फॉर्म नहीं लिखा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो MTI याद रखना है। तो ये MTI या फिर जो रिलीजन रीजनल इन्फ्लुएंस जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है कि किसी भी अन्य लैंग्वेज को सीखते हुए, जैसे बंगाली होते हैं तो वो कोई भी भाषा बोलेंगे तो उनका जो यू नो बंगाली वाली लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है वो दिखाई पड़ता है उनके बोलने के तरीके में। तो नेटिव लैंग्वेज एज अ नेटिव लैंग्वेज उनकी होती है, जनजात जो भाषा होती है उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो रहता है। अब इस इशू को कम करने के क्या क्या तरीके हैं, टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो लैंग्वेज हमें सीखनी है दूसरी भाषा, इसको अधिक से अधिक सुनने और बोलने का प्रयास करना, इसके जो भी सेंटेंस वाक्य हैं उसको सिंपल तथा श्रेणीबद्ध तरीके से यानी ग्रेडेड मैनर से पढ़ना, और इस लैंग्वेज के टीवी सीरियल देखना न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सारे जो है तरीके इजी हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज अ रिजल्ट ऑफ एरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अ लैंग्वेज टू अनदर। The teacher is giving examination, the students are giving their examination, my joy knew no bounds, are you going by the train? बताना है कौन से sentence इसमें, इसमें ऐसा है जिसमें कोई error है, ये error कब आएगा, जब हम इसको translate करेंगे हमारी language से दूसरी language में किया हुआ है, तो इस यहाँ पर क्या मतलब error आ सकता है, mistakes हो सकती हैं, गलती हो सकती है या त्रुटि। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, द स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारी हिंदी भाषा में से दूसरी भाषा यानी इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ये एक मिस्टेक का यानी त्रुटि का एक परिणाम है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा टेक एन एग्ज़ाम का यूज़ करते हैं, गिविंग एग्ज़ाम नहीं कहते हैं, टेक एन एग्जाम का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमको पता है गिव मतलब देना, तो परीक्षा देना तो मतलब गिविंग द एग्जामिनेशन है ना, हम बस इस तरह से ट्रांसलेशन कर लेते हैं, बट इंग्लिश थोड़ा सा और हाई लेवल की चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय व्हाट, राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट, focusing on the use of words from context in the text, doing vocab exercises or doing quizzes and playing words game. Reading skill कैसे develop की जा सकती है, यानी कि पठन कौशल। तो correct answer बिल्कुल इसका सबका सही आने वाला है, option number B यहाँ पे सही हो जाता है, focusing on the use of words from context in text, यानी कि text में जो कुछ भी words आए हैं उन पर focus करें तो हमारा जो रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो सकता है। हर एक वर्ड को हमें ध्यान में रखना है, उसके यूज़ को ध्यान में रखना है, उसके प्रोनंसिएशन को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन, टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स और कैरिकुलम। इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन कौन इम्प्लीमेंट करता है एजुकेशन को, करेगा तो देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीचर होता है मेन, जो सब सिस्टम बना है सब कुछ है, स्टूडेंट्स है कैरिकुलम है, लेकिन जो पढ़ाता है जो भी सिलेबस बना हुआ है इसको जो इम्प्लीमेंट करता है वो तो टीचर ही होता है। सो प्राउड टू बी अ टीचर, जितने भी लोग टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, प्राउड टू बी अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, आई विल रीड, अ लिसनिंग स्टिमुलस, ऑप्शन ए, प्रेजेंट्स इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर इट, इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, इनेबल्स स्टूडेंट्स टू डिस्कस अ सेट ऑफ क्राइटेरिया दैट दे प्रायोरिटाइज टू कंप्लीट एंड प्रेजेंट अ टास्क,
presents an information gap activity such as giving directions. Listening stimulus yani ki shravan, what say stimulus in Hindi, matlab I don't know exactly, याद नहीं आ रहा है हिंदी में इसको क्या बोलेंगी, स्टिमुलस. ओके, संवेदना, समथिंग ऐसा कुछ होता है स्टिमुलस, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, 148 के लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट एंड इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस. ठीक है, अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं, कोई भी जो लिसनर है, कोई भी छात्र है, उसकी लिसनिंग एबिलिटी यानी कि श्रवण क्षमता को चेक करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं ये एक्टिविटी. इसमें क्या होता है, ये एक लैंग्वेज टीचिंग टेक्निक है. ठीक है, इसमें स्टूडेंट को किसी टास्क को कंप्लीट करने या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिसिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है. उदाहरण के लिए एड्रेस बताना, डायरेक्शन इंडिकेट करना, ये सारी चीज़ें जो कि स्टूडेंट सुन के हम समझ पाएँ कि वो उसका श्रवण क्षमता जो है वो कितनी है, वो सुन के कोई चीज़ को कितना अच्छे से कैच कर पा रहा है, दैट मच. ओके, सो नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, इफ़ अ लैंग्वेज टीचर हैज़ टॉट अ टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास, देन मे बी, अगर एक भाषा शिक्षक है, उसने एक टॉपिक पढ़ाया क्लास में और किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उससे, इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स आर नॉट पेइंग अटेंशन, सी हैड बीन एन एक्सेलेंट टीचर, वट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड द कम्प्रेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर एट अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग. और सेंटेंस की हिंदी आप खुद से समझने की भी कोशिश किया करिए पहले, इसीलिए मैं पहले हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद करना है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी गाइड करना मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी, वट एवर वॉज टॉट वॉज बियॉन्ड द कम्प्रेंशन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो बच्चों को समझ में ही, बच्चों की समझ के स्तर से परे था. ठीक है, बियॉन्ड द कम्प्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब समझ से परे होना या समझ से बाहर होना. तो जब कुछ समझ में ही नहीं आया है तो पूछेंगे क्या क्वेश्चन, है ना. अच्छा, अब एक काम करिए फटाफट से, जितने लोग भी लाइव ज्वाइन किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, आई जस्ट होप आपको पसंद आया होगा. ओके, और डेली आप ज्वाइन कर पाएँ इसके लिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, और जिन्होंने किया है वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन जो है, बेल आइकन है वो ऑन है कि नहीं, ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए. द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ग्रामर मैथड के फाउंडर कौन थे, देख लीजिए, न्यूफील्ड, चैपमैन, चॉमस्की, फ्रिस्क. तो करेक्ट आंसर इसका आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फ्रिक्स, ये सही आपका आंसर है. सो आई जस्ट होप कि आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, पसंद आए हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके अपने फाइनल मार्क्स जरूर बताया करिए, भले ही कम मिले हो, उससे पता चलता है कि अभी कितना और वर्क करना है हमें और कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि अब 2 months का ही टाइम है और रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं. ट्राई करिए कि लाइव ज्वाइन करिए, क्योंकि इससे एक आपको लाइव चैट की फैसिलिटी मिल जाती है, आप आंसर्स रिप्लाई कर पाते हो और आपके मैं सारे हर एक क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई देख पाती हूँ. बाद में आप वीडियो देखते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप कमेंट करके अपने मार्क्स जो है वो बता सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय.